हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गावे की क्लासेस। आज मैं डिफरेंशिएशंस में आगे के टॉपिक को क्लियर करूंगा। आज के टॉपिक में ए की पावर एक्स यानी कोई कांस्टेंट नंबर को, यानी ए मेरा क्या है, कोई एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो इसे कैसे करेंगे, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के। यानी हमें क्या करना है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि अगर मेरा कोई फंक्शन गिवन आउट है, फर्स्ट प्रिंसिपल में जैसे हम लास्ट में किया हुआ है कि यानी कोई फंक्शन मेरा गिवन आउट है तो उसको हम क्या लिख करते थे, y, ठीक है। तो इसमें भी y लिख करेंगे, लेट y इज इक्वल टू a की पावर x, क्या लिख दिया हुआ, y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक। देन अब हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल की जो वर्किंग थी उसमें हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप में डेल्टा y LHS पे प्लस करते थे एंड RHS पे डेल्टा x को प्लस करते थे। करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन मानेंगे सेकंड, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी मैंने कैसे किया हुआ है। देन अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर टू माइनस वन करना होगा, यानी इक्वेशन टू पे इक्वेशन वन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो करते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू a की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a की पावर x। यहां तक आपको किस चीज क्लियर हो गई, मैंने कैसे किया है। देन अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, a की पावर x एंड ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस ए की पावर एक्स, चीज यहां तक क्लियर। एंड देन यहां पे क्या हुआ, वाई से वाई कट गया एंड कितना आया, डेल्टा वाई, कितना आया, डेल्टा वाई। देन अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स एंड इसमें हम क्या करेंगे, ए की पावर एक्स को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस का वन। यहाँ तक चीज क्लियर हुई होगी मैंने कैसे किया हुआ, ठीक। अब हमारा क्या बना, a की पावर x, a की पावर x को ऐसे फैक्टराइज करना है जिसमें कि मेरा माइनस का वन जो है वो कट जाए, ठीक है। तो करते हैं, a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा क्या होता है, a की पावर x इज इक्वल टू वन प्लस एक्स लॉग बेस ई ए प्लस x log e बेस a का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, x यहाँ पे इतना हो गया n प्लस डैश डैश इंफिनिटी, प्लस डैश डैश इंफिनिटी होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस पे प्रूव करेंगे यानी इस पे पुट करेंगे। तो करते हैं, क्या होगा, a की पावर x 1 प्लस x की प्लेस पे कितना रखेंगे, डेल्टा x रखेंगे log e बेस a प्लस, ठीक है, x की प्लेस पे कितना रखेंगे, डेल्टा x log e बेस a का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ठीक, प्लस डैश डैश इंफिनिटी, ठीक है। एंड ये मेरा क्या होगा, माइनस का वन भी होगा, कि यहाँ पे मेरा माइनस का वन क्या साथ में चल रहा था, ठीक। अब मेरा क्या होगा, ए की पावर एक्स मेरा वैसे ही रहेगा एंड ये वन से वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा, डेल्टा एक्स लॉग ई बेस ए प्लस डेल्टा एक्स लॉग e बेस a होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल,
डैश 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 इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हुई होगी, ये मैंने कैसे किया होगा। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा डेल्टा वाई क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, एंड इसमें हम क्या कॉमन कर लेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन करेंगे एंड लॉग बेस ई ए कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यानी हमने ये वाला पार्ट क्या किया और कॉमन कर लिया होगा। देन अब मेरा कितना होगा, वन प्लस ये कितना होगा, डेल्टा एक्स लॉग बेस ई अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डैश डैश इंफिनिटी। चीज क्लियर होगा यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देन अब हमें क्या करना होगा, इस पे वो साइड लिमिट लेंगे एंड डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड क्या करेंगे, अब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। इतनी चीज क्लियर, क्या किया हुआ है, बोथ साइड हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल्टा एक्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो आइए करते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। देन अब मेरा कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो लॉग ई बेस ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन प्लस डेल्टा एक्स लॉग ई बेस ए अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। यहाँ तक बात समझ में आई होगी अच्छे से, ये मैंने क्या किया हुआ है। ठीक, अब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी हमारा क्या आएगा, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक, अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, यानी इस पे डेल्टा एक्स के प्लेस में रखेंगे, कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, वन प्लस जीरो प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। यानी अब इसका हम वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक है, तो यानी मेरा डिफरेंशिएशन क्या आया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक है, ये क्या हुआ, मेरा आंसर प्रूव हुआ। यानी यहाँ पे मेरा क्या आया, इसको मैं यहाँ पे साफ साफ देता हूँ, यानी अगर हमारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी ये मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।